गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए टॉपिक अपना रहेगा हॉर्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन एक्शन यानी हॉर्मोन और हॉर्मोन की क्रिया विधि। और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 13 नंबर। अब देखिएगा, अपन पढ़ रहे थे मैकेनिज्म्स ऑफ हॉर्मोन, हॉर्मोनों की मैकेनिज्म की अपन बात कर रहे थे। तो मैंने बताई थी कि आपको हॉर्मोन की जो मैकेनिज्म थी वो 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही थी। हॉर्मोन्स की जो मैकेनिज्म थी वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही थी? 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट हो रही थी। फर्स्ट था एक्टिवेशन ऑफ जीन यानी जीनों का सक्रियण। सेकेंड थी एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। और थर्ड था रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में साइक्लिक एएमपी की भूमिका। और फोर्थ जो पॉइंट था वो था अपना रोल ऑफ कैल्शियम एंड कालमोडुलिन प्रोटीन इन एज ए सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में कैल्शियम और कालमोडुलिन प्रोटीन की भूमिका। तो अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक्टिवेशन ऑफ जीन यानी जीनों का सक्रियण का जो पॉइंट था वो कम्प्लीटली पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे हार्मोनल मैकेनिज्म का सेकेंड पार्ट, कौन सा था? एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस, कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। तो देखिएगा, जो थायराइड प्रकृति का जो हार्मोन्स होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थायराइड प्रकृति का जो हार्मोन होता है इसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होते हैं वो कोशिका के केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं। थायराइड प्रकृति के जो हार्मोन है उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कहाँ उपस्थित होती है? सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में ही उपस्थित होती है। ठीक है, इस प्रकार जैसे ही ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाएंगे वैसे ही ये सीधे कहाँ पे पहुंचे? कोशिका के केंद्रक में। और कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो ग्राही प्रोटीन होती है उसके साथ जॉइंट होकर के क्या बनाएंगे? रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करता है? कोशिका के केंद्रक में उपस्थित विशिष्ट जीन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। इस प्रकार बना हुआ जो एमआरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा प्रोटीन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो आप एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस को किस प्रकार से समझा सकते हो एक फ्लो चार्ट के द्वारा वो देखिएगा। ये मान लीजिए सेल है यानी कोशिका है, ठीक है, ये क्या है? सेल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इधर ये क्या है?
साइटोप्लाज्म, इधर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिएगा जो हार्मोन स्रावित किए जा रहे हैं वो सीधे ही कहाँ पहुंच रहे हैं, कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और कोशिका के साइटोप्लाज्म से होते हुए सीधे ही कोशिका के केंद्रक में पहुंचते हैं। कोशिका के केंद्रक में क्या प्रेजेंट होती है, ग्राही प्रोटीन, देखिएगा ये इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, केंद्रक को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा अपन को। ये विशिष्ट जीन डीएनए को क्या करता है, एमआरएनए, एमआरएनए बनाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, इस प्रकार बनने वाला जो एमआरएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक से कहाँ, साइटोप्लाज्म में विसरित होता है और क्या बनाता है, प्रोटीन। ठीक है, तो देखिएगा आप इसको किस प्रकार से आसानी से समझ सकोगे। आप ये डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, ना चाहो तो सीधा ही इसको आप बता सकते हो। अब देखिएगा जो थायराइड प्रकृति के हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं, ये क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां इन हार्मोनों को स्रावित जब करती है तो किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है, और ब्लड क्या करता है, इन हार्मोनों को इसके लक्ष्य अंगों तक पहुंचा देता है। कहां तक पहुंचा देता है, इनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचा देता है। अब देखिएगा थायराइड प्रकृति के जो हार्मोन है वो जैसे ही ब्लड के अंदर छोड़े जाएंगे तो ब्लड इनको इसकी लक्ष्य अंगों की जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, लक्ष्य कोशिका तक पहुंचा देता है। तो जैसे ही ये हार्मोन इस कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आती है तो ये कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से विसरित हो जाती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसरित होकर कोशिका के साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से सीधे ही कोशिका के केंद्र के अंदर क्या हो जाती है, विसरित हो जाती है। इस प्रकार ये जो हार्मोन होती है ये कोशिका के केंद्रक में विसरित होकर कोशिका के केंद्रक में विसरित हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि थायराइड प्रकृति के जो हार्मोन होते हैं इसके लिए जो रिसेप्टर प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन, रिसेप्टर जो प्रोटीन होती है, रिसेप्टर जो प्रोटीन होती है वो कोशिका के केंद्रक में ही उपस्थित होती है। इस प्रकार ये हार्मोन इस ग्राही प्रोटीन के साथ जुड़कर के क्या बनाता है, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। किसका, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, निर्माण करता है। रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, निर्माण करता है। ये जो रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना है, बनने के तुरंत बाद कोशिका के केंद्रक में उपस्थित विशिष्ट जीन डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। इस प्रकार बनने वाला जो एमआरएनए होता है वो कोशिका के केंद्रक से साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर विसरित होकर के ये ट्रांसलेशन की क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, ट्रांसलेशन, ट्रांस
लेसन की क्रिया करता है यानी अनुवादन की क्रिया करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस प्रकार बनने वाली ये जो प्रोटीन होती है विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी उपापचय क्रियाओं विभिन्न प्रकार की कोशिकीय अनुक्रियाओं के अंदर क्या लेती है, भाग लेती है। तो ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने है ये सेकंड जो स्टेप है किसका, हार्मोनल मैकेनिज्म का वो है। सेकंड स्टेप हार्मोनल मैकेनिज्म का क्या था, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस, इन सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। अपन हार्मोनल मैकेनिज्म का जो दो स्टेप थे, टोटल चार स्टेप थे अपने पास, इन चारों स्टेप में से हम दो स्टेप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था एक्टिवेशन ऑफ जीन, जीन का सेकेंडियन, सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा है एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इन सेल न्यूक्लियस यानी कोशिका के केंद्रक में थायराइड हार्मोन की क्रिया। अगला जो थर्ड स्टेप है हार्मोनल मैकेनिज्म का वो कौन सा रहेगा, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में साइक्लिक एएमपी की भूमिका। थर्ड जो पॉइंट है हार्मोनल मैकेनिज्म का वो कौन सा है, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में, हार्मोनों की क्रिया में चक्रीय एएमपी की भूमिका, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में चक्रीय एएमपी की भूमिका। तो अपन को कंप्लीटली पढ़नी है कि किस प्रकार से साइक्लिक एएमपी का हार्मोनों की क्रिया में योगदान होता है। ये आपके सामने जो डायग्राम बन रहा है वो किसका है, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में साइक्लिक एएमपी की भूमिका। ठीक है, इस प्रकार जो साइक्लिक एएमपी बनने के बाद क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम, उसके बाद एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन करता है फॉस्फोलिपेज काइनेज एंजाइम का, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलिपेज काइनेज एंजाइम, फॉस्फोलिपेज काइनेज एंजाइम एक्टिव, फॉस्फोलिपेज
फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम, ठीक है, ये करेगा फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन और क्या बनाएगा, फॉस्फोरिलेज वन फॉस्फेट, फॉस्फोरिलेज वन फॉस्फेट, वन फॉस्फेट और ये बनाएगा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इधर ये क्या है हार्मोन, इधर ये क्या है रिसेप्टर, प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, सॉरी ये सीधी है रिसेप्टर प्रोटीन, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स ही है, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर ये क्या है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कंप्लीटली इसके अंदर होता क्या है, तो देखिएगा रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी हार्मोन एक्शन यानी हार्मोनों की क्रिया में चक्रीय एएमपी की भूमिका की अपन बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोन्स होते हैं, फर्स्ट तो ये है टारगेट सेल, टारगेट सेल यानी लक्ष्य कोशिका। अब देखिएगा कि प्रोटीनी प्रकृति के जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए जो ग्राही होते हैं, प्रोटीनी प्रकृति के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली पर ही उपस्थित होती है, प्रोटीनी प्रकृति के जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है यानी रिसेप्टर प्रोटीन होती है वो कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही क्या होती है उपस्थित होती है, न तो कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होती है और न ही कोशिका के केंद्रक में, तो कहाँ उपस्थित होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है। अब देखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है और इन हार्मोनों के द्वारा जो संदेश दिया जाता है वो साइक्लिक एएमपी के द्वारा पूरी कोशिका के अंदर पहुंचा दिया जाता है, ये जो हार्मोन संदेश देती हैं किस प्रकार की प्रकृति का जो भी संदेश देती हैं वो साइक्लिक एएमपी के द्वारा पूरी कोशिका के अंदर पहुंचा दिया जाता है, इसलिए साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीयक संदेश वाहक कहा जाता है, क्या बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीयक संदेश वाहक की संज्ञा दी गई है, किसको साइक्लिक एएमपी को, क्यों, क्योंकि प्राथमिक संदेश वाहक खुद हार्मोन होता है, प्राइमरी मैसेंजर खुद कौन होता है हार्मोन होता है, इसलिए साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर यानी द्वितीयक संदेश वाहक की संज्ञा दी गई है। अब देखिएगा जैसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोन स्रावित किए जाएंगे, ये जो हार्मोन्स होते हैं इन एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा किसमें छोड़े जाते हैं ब्लड यानी रक्त के अंदर छोड़े जाते हैं। अब देखिएगा जैसे ये हार्मोन्स होते हैं ब्लड यानी रक्त के अंदर छोड़े जाते हैं तो ब्लड इन हार्मोनों को इनके लक्ष्य अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, ये जो है वो क्या है टारगेट सेल यानी लक्ष्य कोशिका,
ठीक है। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन किसमें छोड़े, ब्लड के अंदर छोड़े, तो ब्लड इसको इसकी लक्ष्य अंगों की जो कोशिका होती है, कौन सी कोशिका, लक्ष्य कोशिका तक इन हार्मोनों को पहुंचा देता है। अब ये जो हार्मोन होते हैं ब्लड के द्वारा इस लक्ष्य कोशिका के पास जैसे ही आते हैं तो ये प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोन्स हैं, इसलिए इनके लिए जो ग्राही प्रोटीन होती है वो कहाँ उपस्थित होती है, इस कोशिका की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर उपस्थित होती है। इस प्रकार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ग्राही प्रोटीन उपस्थित है किसके लिए, प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोन्स के लिए। तो जैसे ही ये हार्मोन्स ग्राही प्रोटीन के संपर्क में आते हैं तो ये ग्राही प्रोटीन इन हार्मोन्स के साथ जुड़कर के क्या बनाती है, रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। यानी ग्राही प्रोटीन हार्मोन सम्मिश्र का क्या करती है, निर्माण करती है। इस प्रकार बनने वाला रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एडिनिलेटेज साइक्लेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है। रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनने के तुरंत बाद एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। अब देखिएगा इस एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का जो सक्रिय भाग होता है यानी जो एक्टिव पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य की ओर निकला हुआ रहता है। इस प्रकार इस एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम का जो सक्रिय पार्ट और वो भी कौन सा, जो साइटोप्लाज्म की ओर निकला रहता है, वो क्या करता है कि जो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होती है, उसको साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित कर देता है। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सीएमपी, यहाँ पे लगा रखा है। सीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इस प्रकार ये एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में परिवर्तित कर देता है। सीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और एटीपी की फुल फॉर्म आप सभी जानते ही हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस प्रकार जैसे ही एटीपी साइक्लिक एएमपी के अंदर चेंज हो गई तो ये साइक्लिक एएमपी होती है वो इन हार्मोनों के द्वारा दिया गया संदेश, कौन से हार्मोन, प्रोटीनी प्रकृति के हार्मोनों के द्वारा दिया गया संदेश पूरी कोशिका के अंदर पहुंचा देती है। क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक एएमपी द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में कार्य करती है, और द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में क्यों कार्य करती है, क्योंकि प्राथमिक संदेशवाहक यानी प्राइमरी मैसेंजर खुद हार्मोन होता है, ठीक है। इस प्रकार साइक्लिक एएमपी बनने के तुरंत बाद ये कर देती है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज एंजाइम, यानी जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है उसका क्या कर देती है, सक्रियण कर देती है। इस प्रकार बना हुआ या इस प्रकार एक्टिव हुआ प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है वो एक्टिवेशन करता है किसका, फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम का। तो इस सक्रिय प्रोटीन काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण होता है यानी एक्टिव होता है कौन सा एंजाइम, फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम। इस प्रकार सक्रिय हुआ फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम होता है वो, सॉरी, जो एक्टिव प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है वो फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम को सक्रिय करने के बाद इसको फॉस्फोरिलेशन की क्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस प्रकार जो फॉस्फोरिलेज काइनेज एंजाइम होता है वो फॉस्फोरिलेशन की क्रिया के द्वारा फॉस्फोरिलेज 1 फॉस्फेट का क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार फॉस्फोरिलेज 1 फॉस्फेट जो बनता है वो ग्लाइकोजन से किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, और इस प्रकार बनने वाली जो ग्लूकोज होती है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकीय और मेटाबॉलिक अनुक्रियाओं में क्या लेती है, भाग लेती है। तो ये जो आपके सामने फ्लो चार्ट है, इसके फ्लो चार्ट या फिर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है उसके नीचे आप इसका नाम लिखोगे, रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, यानी हार्मोनों की क्रिया में साइक्लिक, सॉरी, चक्रीय एएमपी की भूमिका, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे आपको इसी पॉइंट का नाम लिखना है, ठीक है। अब देखिएगा कि केमिकल मैकेनिज्म के द्वारा साइक्लिक जो एटीपी होती है वो साइक्लिक एएमपी में किस प्रकार से चेंज होती है वो अपन को देखना है।
ये जो आपको डायग्राम फ्लो चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो किसका है? साइक्लिक चक्रीय एएमपी का एटीपी से संश्लेषण, यानी एटीपी से किसका? साइक्लिक एएमपी का सिंथेसिस और साइक्लिक एएमपी से एएमपी का सिंथेसिस सिंथेसिस ओ साइक्लिक एएमपी टू एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी चेंज इनटू एएमपी चेंज इनटू एएमपी यानी एटीपी से चक्रीय एएमपी का संश्लेषण और साइक्लिक जो चक्रीय एएमपी है उसका सीधे एएमपी के अंदर परिवर्तन। अब देखिएगा ये जो फ्लो चार्ट है या फिर ये जो डायग्राम है वो आपके सामने केमिकल रिएक्शन को दर्शाया गया है और इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू यह समझाया गया है कि एटीपी से साइक्लिक एएमपी का निर्माण किस प्रकार से होता है और जो साइक्लिक जो एएमपी होती है उससे एएमपी का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब देखिएगा कि आपके सामने ये किसकी स्ट्रक्चर है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ये जो सारा है वो कौन सा है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इस एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसका एडिनिलेटेस साइक्लिक की उपस्थिति में यह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें चेंज हो जाता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा ये साइक्लिक एडिनोसिन जो मोनोफॉस्फेट होता है उसका फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में H2O का मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करता है और H पॉजिटिव आयन क्या निकलता है? बाहर निकलता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की उपस्थिति में जो साइक्लिक एएमपी होती है वो किसमें चेंज हो जाती है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। तो आपको ये सिंथेसिस ध्यान में रखना है। इसी के साथ आपको साइक्लिक एएमपी का जो मैंने पहले फ्लो चार्ट यानी जो डायग्राम बनाया था वो भी बनाना है और साथ में केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी समझाना है कि साइक्लिक एएमपी का निर्माण किस प्रकार से होता है।